देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह मुमकिन है कि 21 दिनों का लॉकडाउन तयशुदा समय 14 अप्रैल के आगे भी बढ़ा दिया जाए। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया है कि लॉकडाउन को फौरन न हटाया जाए और मौजूदा खतरे को देखते हुए आगे बढ़ाया जाए। ऐसा लगता है कि सरकार भी इस राय से सहमत है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि इस भयावह संक्रमण से निपटने के लिए लोगों को लंबे समय के संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। कई राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिनमें गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने तो खुलेआम केंद्र सरकार से आग्रह कर दिया कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख ने कहा कि देश की बेहद खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा, हम आर्थिक दिक्कतों से उबर सकते हैं, लेकिन हम जिंदगियों को वापस नहीं ला सकते। राव ने कहा कि भारत के पास इस वायरस से लड़ने का कोई दूसरा हथियार नहीं है। उधर कांग्रेस प्रशासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फिलहाल लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। वह कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम अभी तुरंत लॉकडाउन खत्म नहीं कर सकते, यह कई चरणों में किया जा सकता है। बीजेपी प्रशासित असम सरकार में वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एनडीटीवी से कहा, हम नहीं चाहते कि 15 अप्रैल को एकाएक सब कुछ खोल दिया जाए। हम चाहते हैं कि यह सुनियोजित और वैज्ञानिक तरीके से हो, ताकि लॉकडाउन से जो हासिल हुआ है वह एकदम बेकार न हो जाए। इस तरह कर्नाटक सरकार भी चाहती है कि लॉकडाउन को फौरन न हटाया जाए, वह इसे धीरे धीरे हटाने के पक्ष में है। राज्य के मुख्यमंत्री के सुधाकर ने कहा, जहां जहां रेड अलर्ट है और इलाके बटे हुए हैं, वहां लॉकडाउन कम से कम 2 हफ्ते और रहना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह तब तक लॉकडाउन रहने दे। उधर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम लॉकडाउन उसी समय खत्म करेंगे जब हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि राज्य पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश अधिकारी ने यह तक कह दिया कि यदि एक आदमी को भी कोरोना संक्रमण है तो लॉकडाउन हटाना मुश्किल होगा और यही वजह है कि इसमें समय लगेगा। केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक के बाद भी इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हम पूरी घटना पर एक एक मिनट नजर रखे हुए हैं। इस पर कोई फैसला राष्ट्रहित में ही लिया जाएगा और सही समय पर सही फैसला सरकार लेगी। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।